सिरोन जनपद पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन कर जांच की मांग और दोषियों पर कार्यवाही कराने के संबंध में जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पुतला दहन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में भाजपा शासन काल में लगातार जनपद कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही है और आम गरीब जन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को योजनाओं का लाभ न देते हुए भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं लगातार जनपद पंचायत कार्यालय में सन्निर्माण कर्मकार मंडल संबल योजना मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में विवाह सहायता राशि में एवं मनरेगा अंतर्गत काम नहीं दिए जाने एवं उनके परिजनों से अभद्र व्यवहार करने और योजनाओं का लाभ नहीं देने एवं भारी मात्रा में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार जिला महिला कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ को प्राप्त हो रही है। सिरोन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश में पूरे विदिशा जिले में और सिरोंज की जनपद पंचायत में जो लाखों और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। विगत दिवस यहाँ का 60 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो जनपद के सीओ त्रिपाठी द्वारा किया गया है वो भी यहाँ उजागर हुआ है। हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पूरे मध्य प्रदेश में जो हैं उन्हें कड़ी सजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्री और मुख्यमंत्री बराबर उस भ्रष्टाचार के भागीदारी हों बंटवारा और सरासी में करते हैं। जिस तरह से यहाँ जो त्रिपाठी द्वारा भ्रष्टाचार बेटियों के विवाह राशि में संबल योजना में मनरेगा में अंत्येष्टि राशि में कन्यादान विवाह योजना में और अन्य जो राशि जनपद द्वारा संचालित जनहितैषी होती हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हमारी बहन बेटियों के विवाह में जो राशि माननीय कमलनाथ जी ने 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए की थी उस राशि को इन भ्रष्ट अधिकारियों ने भाजपा के नेताओं से मिलके भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया है और 4 साल और 6 साल और की बच्चियों और जो 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 बहनें दो दो बच्चों की माँ हो चुकी हैं ऐसी महिलाओं की यहाँ शादी कराई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग धर्म करते हैं बेटियों का विवाह करते हैं लेकिन यहाँ के जो सीओ हैं त्रिपाठी द्वारा तो इतना पुण्य लाभ लिया गया कि फर्जी शादी कोविड काल में रचा करके और उस राशि को अन्य खातों में डाल के भ्रष्टाचार किया गया है। हमारी आज यहाँ मांग है कि जो आरोपी जेल में है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है मध्य प्रदेश के जो सरकार में बैठे उस त्रिपाठी के रिश्तेदार थे वो भी बराबर इसमें भागीदार हैं। उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और मध्य प्रदेश की सरकार उनसे इस्तीफा ले। आज देखा ये गया है कि भ्रष्टाचार करके वो बड़े नेताओं की मिलीभगत से कुछ समय बाद जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर वो अन्य अन्य जनपद में भ्रष्टाचार करने के लिए फिर बैठ जाएंगे। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर शासन की कोई योजना संचालित हो रही है तो पूरा लाभ हमारे उन गरीब मजदूर भाई बहनों को मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि त्रिपाठी ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके संपत्ति को बेचकर सरकार नीलाम करके उस भ्रष्टाचार की राशि जरूरतमंदों को दे जो इसमें पात्र हैं जिन्हें उस राशि की जरूरत है और नहीं तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।